जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। 20वां कदम, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। स्टेप 20, बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियाँ होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीब हैं। फिर इससे मायूसी और नाराजगी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता यानी परफेक्शन होने के वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझें तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उदार बने, प्रैक्टिस जेन्यूरिसिटी। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचे विचारें। उदार लोगों को जिंदगी जैसे नियमतें मतलब ब्लेसिंग देती हैं। स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने, बी टैक्टफुल। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता यानी काइंडनेस। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वह पूंछ हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोग उसके प्रति दिखाएं। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। 21वां कदम, हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है, नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का नाम ही शिष्टाचार है।
इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, ना कि चालाकियां। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार का ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को शिष्ट ना बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नजरों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूं। जहां भी संभव हो, शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नजरों में ऊपर उठाएंगे। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा व्यवहार यानी मैनर्स और 22वां कदम, हंसने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।